गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TMBS ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य को क्या कहते हैं? सेंटेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस, ठीक है ना। वाक्य मीन्स सेंटेंस। हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द मीन्स जिनकी मीनिंग निकलती हो, जिसका अर्थ हो या मतलब होता हो, ऐसे शब्दों को के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, उनका समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य। लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक, जिनकी मीनिंग होती। ठीक, इसको समझने के लिए यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ, क्या है ये? छह सार्थक शब्द हैं। इन सभी की मीनिंग है, मतलब है। ये क्या है? सार्थक शब्द है। इसके समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ये क्या है? पूरा वाक्य, फुल सेंटेंस। मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है, इसे क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। पर वाक्य में शब्दों को क्या होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित मीन्स अरेंज होने चाहिए। शब्द आगे पीछे नहीं होने चाहिए। वाक्य क्या होने चाहिए? क्रमबद्ध होने चाहिए, अरेंज होने चाहिए। इसको हम सेकंड वाक्य से समझेंगे। इसमें क्या लिखा है? पुस्तक मित्र पढ़ रहा है मेरा, है ना। इसमें भी कितने शब्द हैं? छह शब्द हैं। सभी क्या है? मीनिंगफुल। सब की क्या होती है? मीनिंग निकल रही है, यानी सभी क्या है? सार्थक शब्द हैं। पर यह वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। इनका क्रम क्या है? व्यवस्थित नहीं है। पुस्तक मित्र पढ़ रहा है मेरा, यह सही क्रम में नहीं है, अरेंज नहीं है। इनका सही क्रम क्या है? मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है। तो वाक्य में क्या क्या कंडीशन है? कि दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? व्यवस्थित होने चाहिए, है ना। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या क्या कंडीशन है? दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? अरेंज होने चाहिए। जब हम ऐसे शब्दों के समूह को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है, सेंटेंस। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य। अब आते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के पार्ट, अंग मीन्स पार्ट। जैसे हम कहते हैं शरीर के अंग, हाथ पैर नाक आँख मुंह, ये क्या है? हमारे पार्ट्स हैं। वैसे ही वाक्य के क्या है? अंग है, पार्ट्स, ठीक है। पहला है क्या? उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा जरूर, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है ना, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में मेरे मित्र के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरा मित्र क्या है? सब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? उद्देश्य, ठीक है ना। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? उद्देश्य, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, सेकेंड अंग है प्रेडिकेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं?
उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जा रहा है वाक्य में, है ना, उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? विधेय। जैसे मेरा मित्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी है क्या पुस्तक पढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो भी बताया जा रहा है उसे क्या कहेंगे हम? विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाक्य है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उद्देश्य क्या हो गया? पिताजी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इस वाक्य में कि पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी क्या हो गए? उद्देश्य, और अखबार पढ़ रहे हैं क्या हो गया? विधेय। अब आपकी बुक में एक और टॉपिक है, उद्देश्य और विधेय का विस्तार। विस्तार मीन्स बढ़ाना, है ना, बढ़ना। तो उद्देश्य और विधेय क्या है? कभी कभी बढ़ जाते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस में कहें, मेरे पिताजी आज का अखबार पढ़ रहे हैं। आपका सब्जेक्ट भी बढ़ गया, उद्देश्य भी बढ़ गया, इसमें क्या हो गया? मेरे ऐड हो गया, और आपका विधेय भी बढ़ गया, इसमें क्या हो गया? आज का। तो हम उद्देश्य और विधेय का क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। तो बाकी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है या जानकारी दी जा रही है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है ना बच्चों, इस वीडियो के साथ आपको एक वर्कशीट जाएगी जिसको आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज बुक में फिल करना है।